बालकांड रामायण दोहा 33। मानस निर्माण की तिथि सा। अब मैं आदर पूर्वक श्री सिद्धि जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों में सिर रखकर अर्थात संबत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। ये नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। या शोभा मान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज स्वदेज सवेदेज उद्जिन और जरायुज चार खानी प्रकार के अनंत जीव है। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दम नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरित मानस मुनियों का प्रिय है। इसे सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों को और दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों और सब पापों को नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था। असु अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिवजी जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरित मानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाले सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। ये सज्जनों आदरपूर्वक मन लगाकर से सुनिए।